बदलते मौसम मावठे के साथ 6 दिन बाद आज लहसुन मंडी फिर से चालू हुई है। किसान अपनी फसल लेकर मंडी में नीलामी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन क्वालिटी इस बार थोड़ी सी डाउन देखने में आई है। हम किसानों से भी चर्चा करेंगे, मंडी के व्यापारियों से भी चर्चा करेंगे और जो यहाँ नीलामी करते हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि 6 दिन बाद आज मंडी खुली है, किस तरह का व्यापार व्यवसाय देखने को मिल रहा है, क्या मौसम की मार इस लहसुन पर देखने को मिली है, क्या लग रहा है 6 दिन बाद मंडी खुली है, किस तरह का मंडी में आवक ज़्यादा है और जो है अभी माल भी हल्का ही आ रहा है, ऐसा कोई क्वालिटी वाला माल नहीं आ रहा है। अभी रेट में क्या, आज 6 दिन बाद फिर मंडी खुली है तो किस तरह का रेट आज? रेट तो 16,700 तक बिका है अभी। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो न्यूनतम जो भाव है वो 7,000 जा रहा है, मॉडल भाव जो है 12,000 से 13,000 रुपये। बात करें क्वालिटी की तो किस तरह की आ रही है? अभी क्वालिटी वाला माल अभी आया नहीं है मंडी में, क्योंकि 8 दिन के बाद 6 दिन के बाद मंडी खुली है, 2 दिन फिर बंद है, तो उस सिलसिले में माल क्वालिटी का आया नहीं है, हल्का माल है जो कि बिक रहा है। वो ज़्यादा हल्का माल आ रहा है, लेकिन भाव क्या लग रहा है आपको? भाव जो चल रहे थे वही स्थिर है, भाव में कोई गिरावट भी नहीं है ना बढ़े हुए हैं। तो हमारे साथ थे राहुल जी, जिन्होंने बताया कि भाव में स्थिरता है, ना भाव बढ़े हैं और ना ही भाव में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन लहसुन की क्वालिटी ज़रूर इस बार जो है अच्छी क्वालिटी की लहसुन यहाँ मंडी में नहीं पहुँच रही है, छटा हुआ माल किसान अधिकतर ज़्यादा मंडी में लेकर आ रहे हैं। आप किसान हम कुछ किसानों से भी चर्चा करेंगे। कौन से गांव से? सर जलवा। जलवा से कौन सी लहसुन लेकर आए? अमरेटा। अमरेटा लाए, क्या भाव मिला? ये 14,100 की बिकी। अच्छा भाव मिला? अच्छा मिला। अभी तो मौसम भी बदल रहा है। हाँ पर ठीक है सर, अच्छा मिला। मौसम की वजह से कोई अच्छा तो क्या परेशानी? दिक्कत तो आ रही है लेकिन ठीक है, अभी यहाँ तो सुविधा है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, कहीं चलो प्राइवेट मंडी बंद हुई तो क्यों, प्राइवेट मंडी बंद हुई आज एक एक दो कट्टा वाले परेशान हुई रहे आदमी। कौन से गांव से? यावरे से। क्या लहसुन लेके? हाँ लहसुन। कितनी लाया, कौन सी लाया? ये अमरेटा है भाई, भैया लक्ष्य बिकी। भाव अच्छा मिला? हाँ भाव तो ठीक है। आपने बताया कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो यही है, प्राइवेट मंडी बंद हुई है, एक एक दो दो चार चार कट्टा में जो है क्या परेशान हुई रहा, सुबह ना आई से तो की नहीं डच को ऐसे डच को। कितनी देर में नंबर आया? अरे सुबह से ही धरा वो शुरू फट पे से ही, जब से ही अब वो अभी तो बारिश का मौसम मावठा भी कर रहा है। हाँ दिक्कत आ रही है। हाँ दिक्कत तो आई। लहसुन इस समय होती है क्या? नहीं होती नहीं, इस समय तो घर तक पहुँच जाती, सब घर पहुँच गई, घर से मंडी। आप भी किसान जी? कौन से लहसुन लेके आए? आमलेटा। क्या भाव मिला? अभी बिका नहीं है। हाँ अभी देखने में आ रही क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी की लहसुन मार्केट में मंडी में आ रही है जी, इसका क्या कारण रहता है कि इस समय लो क्वालिटी? लो क्या, किसान हल्का माल बेच रही है अभी, अच्छे माल की उम्मीद है उसको। क्या उम्मीद? 20 के पार। हाँ ऐसी उम्मीद लगा के बैठा किसान, तो किसान सोच रहा है कि जो ख़राब होने वाला माल है, जैसे हल्का माल है, ये दांतरा माल है, ये कली है, ये बेचने में ज़्यादा अभी लगा हुआ है किसान। लेकिन पिछले अगर 6 दिन पुरानी अगर बात करें अपन तो 19,000 तक का भाव मंडी में गया है जी, तो और कितना भाव अब? तो आज डाउन है ना भाव, उसकी अपेक्षा डाउन है भाव, लेकिन क्वालिटी भी तो डाउन है। नहीं कुछ क्वालिटी भी है, जो कुछ क्वालिटी अच्छी भी है। अच्छी क्वालिटी का क्या भाव मिल रहा है, अच्छा भाव मिल रहा है क्या? नहीं आज तो 2,000 के आसपास लूज है माल, मद्दी है आज 2,000 के आसपास। लेकिन क्या उम्मीद है बढ़िया? 15-17 वाली। अब देखो किसान की तो हर बार उम्मीद ही रहती है कि बढ़े, और इससे भी वो जीवित रहता है और वो चाहता है कि अच्छे से अच्छे दाम मिले, बाकी अब जो समय। मावठे का कुछ असर भाव में कुछ पड़ता है क्या? हाँ रहता तो है, जैसे मंडी अभी बंद थी, आज चालू है, कल परसों दो रोज़ फिर बंद हो जाएगी मंडी, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो है। हाँ तो हमारे साथ किसान थे जिन्होंने बताया कि मावठे का असर, मंडी बंद का असर भी भाव पर अधिक पड़ता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो लहसुन की मंडी है उसमें कली और छटा हुआ माल ही ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसका भाव भी किसानों को अच्छा मिल रहा है। किसानों की उम्मीद है कि आने वाले समय में 3,000 रुपये तक का भाव उनको मिल सकता है। उज्जैन मार्केट टाइम्स टीवी के लिए गगन सिंह की रिपोर्ट।